ये महिला हमारे बहुत समुदाय के सर्वाधिक उम्र दराज महिलाएं हैं। वे स्वर्गीय धूमना गुदोई और सांगीना गुदोई के एक लौते बेटे हैं, जिन्हें स्टेट अवार्ड, स्टेट पुलिस अवार्ड और प्रेसिडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। हमारे बुकुल समुदाय के पहले डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वर्गीय रिंचिन छेवा गुदोई जी, जोरदार तालियां हो जाए। वे आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम उन्हें तहे दिल से बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके आत्मा को शांति दे। उनके विवाह में उनके बेटी आए हैं, वे हमारे जो स्वर्गीय रिंचिन छेवा गुदोई और श्रीमती सना गुदोई की वे तीसरी पुत्री हैं, जो कि हमारे बहुत समाज के पहले जनरली से महिला जनरली से जो कि अरुणाचल टुडे के, इनका नाम है मिस सांगे ड्रोमा गुदोई। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए, हमारे बहुत समाधान के पहले महिला जर्नलिस्ट, उनके बिहार में उनके बहन आए हैं अवार्ड को लेने के लिए। वे हमारे बहुत समुदाय के सबसे पहले ग्रेजुएट पर्सन है श्री सांग नागू सराय। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। होते हैं उन्हें वे लोकल प्रोडक्ट को भी बेचते हैं। आपको अलमा सेल है फूड दिखा मिले से स्वागत कीजिए। मनाया जाता था स्पेशली समाज के लिए काम नहीं करेगा, आप धरने वाले पीछे भागे वो मत, आप लोग बेकार बनाएंगे। आप हमारा साथ जरूर देंगे, आज जितना सब नहीं पहुंचा क्योंकि हमने आपको इनवाइट जो है ओनली। मेरा नाम है यंगचिन माफियो, मैं ऑल बुकुन खो सोसाइटी के चेयरमैन, साथ में मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है। तो सर आज का ये जो प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, क्या क्या हुआ है। आज हमारा ये 41 ऑल बुकुन खोवा सोसाइटी मना रहा है। इसी दिन के लिए हम लोग काफ़ी साल से रुका हुआ था क्योंकि बीच में 8-9 साल नहीं मनाया, उसी की वजह से हमारा ये डे जो है छूट गया मनाने के लिए। लेकिन आज हम कल 2 दिन मनाए, 28 और 29 के मनाए, लेकिन काफ़ी सफलता रहा है काफ़ी दिन के बाद इसमें। और हम सब जितना भी गांव वाला आया है उससे हम बहुत सफलता मिला है। आगे में भी मैं यही गाँव वाला से अनुरोध किया, आप लोग इसी दिन को सफलता बनाने के लिए आगे जारी रखें। तो सर ये बुगुन ट्राइब तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट शेड्यूल ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का, तो बट हमारे यहाँ के लोग बहुत कम जानते हैं बुगुन ट्राइब को, तो उसको लेकर आप कुछ अवेयरनेस ये सब कुछ फैला रहे हैं या फिर लाइक आप उसको लेकर क्या कहना चाहोगे। बुगुन क्योंकि स्पेशली एक्चुअली हम लोग मेरा नज़र में जितना भी है हमारा बुगुन जो है अपना आप को बुगुन कहने में शर्म करता है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग ये जब एपी केस बनने के बाद धीरे धीरे आदमी का ये जो अवेयरनेस है आ रहा है, वो लोग अपना आपको बुगुन खोवा माना बोल रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है। क्योंकि पहले होता था कहीं में घूमने जाने से, आज से बहुत पहले मतलब 20-25 साल पहले कहीं में भी जाओ आप लोग बुगुन खोवा बोलने से कोई जानता नहीं। आजकल धीरे धीरे हम लोग CBO द्वारा यानी मतलब कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हम लोग बुगुन को अभी जानना चाह रहे हैं। हम लोग हर जगह में हम लोग अपने आप को बुगुन बोलते हैं और हमारा ड्रेसेस आपको भी हम लोग दिखाना जा रहा है और नाच गाना द्वारा से भी हम लोग दिखाना जा रहे हैं कि हम लोग बुगुन का समाज में इसी अरुणाचल का एक निवासी है हम लोग और शेड्यूल ट्राइब हम लोग जान रहे हैं। तो सर लास्ट क्वेश्चन, लाइक आप एज अ चेयरपर्सन ऑफ बुगुन खोवा सोसाइटी, उसके तरफ से आप लाइक सोसाइटी को और या फिर गवर्नमेंट को कुछ अपील करना चाहोगे क्या।
अपील मतलब गवर्नमेंट से मैं यही चाहूँ कि हमारा बुगुन में जितना भी हमारा अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है उस चीज़ को लेकर हम गवर्नमेंट को थोड़ा ज़रा प्रेशर करने की कोशिश करें कि हमारा एमएलए द्वारा से, क्योंकि हमारा एरिया में कहीं कहीं में छूट बूट में आपको डेवलपमेंट नहीं हुआ उस स्पेशली रास्ता को लेकर, मतलब उस चीज़ को लेकर हम गवर्नमेंट को प्रेशर करेंगे। साथ में हमने अपना गाँव वालों से भी यही अनुरोध किया, जो भी आप लोग को चीज़ अगर कुछ चीज़ आपको सेंक्शन लाना है या कुछ लाना है तो हम लोग ऑल बुगुन खवा सोसाइटी को भी नॉलेज दीजिए ताकि हम आगे को भी प्रेशर कर सकें। आप खाली मतलब ओनली मतलब एमएलए लोग को देने से ऑल बुगुन सोसाइटी को नज़र में मतलब साथ में नहीं रखने से वो चीज़ कभी सक्सेस नहीं होगा। इसलिए हमारा यही अनुरोध है कि आप हमें हमेशा साथ लेके चलिए। समाज के लिए काम नहीं करेगा, आप दस के बारे पीछे भागे वो मत। आप लोग बेकार पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा पर भी आज आप लोगों ने हमको जो कि रिस्पेक्ट दिया, रिस्पेक्ट इज्जत दिया, हम बहुत गर्व है। अब इंडियन आर्मी में था, अभी हम गांव वालों के गांव में हमारा समाज हमारा जनता लोग कैसे करना, किस तरह ड्रिल करना, किस तरह उसको रास्ता गाइडेंस करना वो हम लोग, तो इस चीज को हम बहुत गर्व है आज। इसीलिए मैं इन शब्दों के साथ और मैं आगे हमारा बुगुन साथ एक यूनिटी एक साथ जोड़ के रहना चाहिए और एक एक मंच में एक जगह में हम लोग एक जगह में यूनिटी बन के रहना चाहिए। तो इसी तरह हमारा पास कोई कमी नहीं है बुगुन समाज, सोशल मीडिया में या न्यूज रिपोर्टर हो जो भी है कोई कमी नहीं है। इसी तरह आगे आने फ्रॉम जो भी हमारा यंग जनरेशन है यंग साथी, मैं आज के इस मंच पर आप लोगों को बुगुन जोर से यही कहूंगा कि हमारा आज का दिन जो एमपी के एक सफल हुआ, आपके बिना हम एचपीटीएफ जितना भी मेंबर है हम अकेला करने से नहीं हुआ, आपका वजह से आज हमारा सफल हुआ है। क्योंकि ये एपी केस का दिन जो है मेरा हिसाब से आज से 10-12 साल के बाद मना रहा है, क्योंकि इससे पहले बीच में क्या हो गया हम लोग का शायद 2007-8 के बाद हम लोग का क्योंकि फंखो में ज्यादा कल भी बताया जैसे फंखो में ज्यादा प्रेशर हो रहा है, उसमें ज्यादा मनाया जोर दे रहा है हमारा बुगुन डे को छोड़ रहा है। तो हम लोग ने इस बार हमारा एचपीटीएफ बुगुन डे कि हमारा ये दिन को हम लोग दोबारा याद करना है, हमको इसको जारी रखना है। इसलिए इसी दिन को हम लोग ने आज दोबारा किया, कल से शुरू किया, बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है जितना भी आया है बहुत अच्छा लगा है और अगला साल में सोचता हूँ इसे दुगना आना चाहिए। जब जो भी इसी दिन में तुमको में तो आएगा ही आएगा, लेकिन और बुगुन खवा सोसाइटी के दिन में आप लोग को पार्टिसिपेंट होना जरूरी है। बुगुन जी यहाँ तो जैसे कि हम लोग सब एकत्र हुए हैं हमारा एपीएस मतलब अभियान डे सेलिब्रेशन के लिए, और मैं सबको बताना चाहूंगा ये हमारा इटालियस मतलब 41st अभियान डे मनाने जा रहा है आज का दिन। तो इस एक्सप्रेस में सबसे पहले मैं हमारा जो बाहर से एसओडीज जो आए होंगे एक जस्ट इंफॉर्मेशन, ये हमारा पहले दिन ऑल बुगुन जो एसोसिएशन हुआ करता था इसको हमने आज जाके हमारा ऑल बुगुन सोसाइटी खवा सोसाइटी के रूप में उसको फिर हमने नोबल कल्चर को बदला है और आज जाके हम हमको से जो हम पूरे गांव मिलके जो मनाते हैं, इससे पहले दिन हमारा जो ऑल बुगुन यूथ एसोसिएशन हुआ करता था उस उपलक्ष्य में ये हमारा फाउंडेशन डे है। हमारा 1983 को ये स्टैब्लिश हुआ था तो उस हिसाब से आज हमारा 41st अभियान डे फाउंडेशन डे हम मनाने जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग का ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में ऐसा है, हम लोग यूजली 37, 28, 29 बुगुन डे मनाया जाता था, स्पेशली आज जो है हमारा बुगुन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है जो 29 नवंबर जो बुगुन एक कथा हुआ है जो हिस्ट्री तो हमारा बुजुर्ग लोग बोलेगा पर हम जैसा हाईलाइट करेगा बुगुन एक कथा और बुगुन का जन्म आज 29 नवंबर में हुआ है, जिसमें बुगुन यूजली सुबह पहले हम लोग बुगुन यूथ एसोसिएशन बोल के मनाया जाता था, अभी हम धीरे धीरे हम लोग इसको क्या है एपेक्स बॉडी में कन्वर्ट किया गया ऑल बुगुन खवा सोसाइटी। तो हम लोग 37, 28, 29
ये हम बुगुन डे जो है अपना फेस्टिवल डे है, हमारा फेस्टिवल पॉप कल्चर है, ये बुगुन डे मनाया जाता है। बुगुन का पहचान के लिए, हमारा आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर, हम कैसा रहें सहन, इसी का इम्पोर्टेंट के लिए बुगुन डे मनाया जाता है।